मित्रों, श्री सत्याई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ कक्षा हिस्सा साहित्य स्वरूप है कहानी तो बच्चों राजा का हिस्सा यानी तो कि राजा का भाग राजा का मेहनत का फल तो बच्चों आदर्श राजा कैसा होता है तो आदर्श राजा जो होता है वो हमेशा के लिए प्रजा की भलाई के लिए ही सोचता है और आदर्श राजा जो होता है वो खुद प्रजा यानी कि उनके राज्य में घूमता है और लोगों से मिलता है और प्रजा की जो दुख और जो मुश्किलिया होती है वो दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते है तो बच्चों इस कहानी में ऐसे ही आदर्श राजा की बात की गई है और प्रजा प्रेमी राजा का राजा भोज का जो प्रसंग है उन प्रसंग को यहाँ पर दिया गया है तो बच्चों अब हम इस कहानी को समझेंगे बच्चों इकाई आठ है राजा का हिस्सा

પ્રજાપ્રેમી એવા રાજાની વાત કરવામાં આવી છે અને જે રાજા છે તે હંમેશા પ્રજાની મુશ્કેલીઓમાં મદદ કરવા માટે ઉતાવળા યાની કે તત્પર રહે છે રાજા ભોજ બળે પ્રજાવત્સલ થે તો રાજા ભોજ જે છે એ ખૂબ જ પ્રજાપ્રેમી હતા यहाँ पर बच्चे शब्दार्थ है प्रजावत्सल का मतलब है प्रजा प्रेमी तो राजा भोज नाम जो राजा है प्रजा प्रत्ये खूबज प्रेमाण हतो वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे स्वयं का मतलब है खुद यथा संभव यानी कि जहाँ तक संभव हो तो जे राजा छे, ते वो जाते राज्य में फरी फरी ने प्रजानी तकलीफों ने जोता अने ते यथा संभव दूर करता एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे भ्रमण करना मतलब है घूमना तो एक दिवस राजा पोता नी राणी साथ रथमा बेसीने राज्य में फरी रहता वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए अने वो राजधानी थी खूब दूर निकली गया उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है मगर उसके हल में एक ही बेल है दूसरे बेल के स्थान पर ઉસકી શ્રી હળ ખીચ રહી હે તેમણે જોયું કે એક ખેતરમાં એક ખેડૂત હળ ચલાવી રહ્યો હતો પરંતુ તેના હળમાં એક જ બળદ છે બીજા બળદની જગ્યાએ તેની પત્ની હળ ખેંચી રહી છે રાજા ભોજને રથ રોકા और किसान के पास जाकर कहा भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है राजा भोज इमन रथ अं बच्चों चित्र मे रथ जो सकी जे राजा अने रानी नु रथ है तो ये रथ ने राजा राजा भोज जो थे, थे રોકે છે અને ખેડૂતની પાસે જઈને કહ્યું હે ભલા માણસ તું આ કેવો અત્યાચાર અત્યાચાર કા મતલબ હે જુલ્મ તો તું આ કેવો અત્યાચાર કરી રહ્યો છે અરે ક્યાંય સ્ત્રીને તું હોળમાં જોતરાતી હશે એવો પ્રશ્નો રાજા ભોજ કરે છે મેરા એક બેલ મર ગયા હૈ दूसरा बेल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है अगर खेत न जूता तो मैं खाऊंगा क्या कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया मारो एक बड़द मरी गयो बीजो बड़द खरीदवा मारी पासे पैसा नहीं जो खेतर ने खेड़वा मा आयो तो हूँ शू खाई एम कही खेडूत फरी थी काम में लागी गयो तो यहाँ पर बच्चों हम प्रश्नों देखते हैं कि किसान ने हल में पत्नी को क्यों जोता था तो विद्यार्थी मित्रों आप प्रश्नों परीक्षा में पूछ सके तो किसान ने हल में अपनी पत्नी को क्यों जोता था क्योंकि उसके पास एक ही बेल था और उसका एक बैल मर गया था और नया बैल खरीदने के लिए उसके पास धन नहीं था इसलिए किसान ने हल में अपनी पत्नी को जोता था उसे क्या पता था कि उसने बात करने वाला कौन है तो खेड़ूत ने क्या खबर थी बात करना ए कौन छे राजा ने कहा अरे भाई जरा सुनो तो राजा ये कहू अरे भाई जरा सांभर तो खरो जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो मेरा काम क्यों रोकते हो किसान ने कहा सुखे कहे छे खेडूत जे कहवू होई ते मारी साथे चालता चालता कहो मारू काम सा माटे अटकावो छो खेडूते कहु राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए यहाँ पर बच्चों शब्दार्थ है

इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और रुकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी यहाँ पर बच्चों थकावट का मतलब है थकान और वजह का मतलब है कारण तो राजा भोजे कहूँ तमने कहू भला मणस आ रीते तो तारी पत्नी थकी जसे अने थकने कारण कोई बीजू काम पर नहीं कर सके किसान बोला तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं खेडूते कहू तो पी तेज कहो कि हूँ शू करूं राजा ने कहा तुम मेरे साथ चलो मैं अपना एक बेल तुम्हें दे देता हूँ शू कहे छे राजा के राजा ये कहू तू मारी साथे चल हूँ तने मारो एक बड़द आपी दईश मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा का। ही बेल ल, बेल ला दो किसान बोला शू कहे किसान के परंतु इतलो समय इतलो वक्त मारे जे काम छे ए काम अटकावू पड़से से माटे तमेज बड़द लावी आपो एवं किसान एटले कि जो खेडूत थे राजा ने कहे छे अच्छा ऐसा करो तुम अपनी पत्नी को रथ के साथ भेज दो वह मेरी पत्नी से बेल ले आएगी तब तक मैं तुम्हारे हॉल में जुतूँगा राजा ने कहा ठीक त्या राजा सो कहे थे ठीक क्य एम कर तू तारी जे पत्नी छे एनी रथनी पासे मोकली आप अने ते मारी पत्नी पासे थी बड़द लई से, त्यां सुधी हूँ तारा होल में जोतराईश एम राजा कहे छे किसान इस बात पर राजी हो गया राजा भोज होल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई उसने रानी को सारी बात बता दी अने ખેડૂતે આ વાત માની લીધી અને રાજા ભોજ હોળમાં જોતરાઈ ગયા અને ખેડૂતની જે પત્ની છે તે રથ પાસે જાય છે અને તેણે રાણીને બધી વાત કરી રાણીને પૂરી વાત સુન કરા રાણીએ બધી વાત એટલે પૂરી વાત સાંભળીને કહ્યું તુમરા બેલ તો કમચોર હોગા ય પર બચ્ચો શબ્દાર્થ શબ્દાર્થે कमजोर यानी कि अशक्त तो रानी कहे छे के तारो जे बड़द ए नबड़ो निर्बल हसे वो हमारे बेल का साथ नहीं दे सकेगा ते बड़द बड़दनी साथ नहीं चाली सके इसलिए तुम दोनों ही बेल ले जाओ माटे तब बने बड़द ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बेल लेकर खेत पहुँची अने जे पत्नी छे। ते बड़द लईने खेतरे पहुँची। वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा किसान बहुत प्रसन्न हुआ अने खेडूत ए जो खूबज खुश था छे। राजा भोज ने कहा राजाए कहूँ अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना यहाँ पर बच्चों शब्दार्थ है दिक्कत यानी कि परेशानी तो राजा ये कहूँ जो क्यारे तमने कई तकलीफ हो जाओ तो कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ अने जो क्या तमने कहीं तकलीफ तो मारी पासे आवजो एम कहीने भोज राजाए पोतानो परिचय तो जो खेडूत ए शरमा गयो यहाँ पर है शर्मिंदा यानी कि लज्जित होना उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी ते वार राजानी राजा माफी मांगी क्षमा यानी कि माफी मांगना राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए राजा खुश थी ने चाल लिया, गया उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई ते वेड खेतर में खूबज सारो एवो पाक थो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे यहाँ पर बच्चों सब मुहावरे का अर्थ है आश्चर्य का ठिकाना न रहना मतलब बहुत आश्चर्य होना तो જ્યારે ખેડૂ ખેડૂતના ખેતરમાં ખૂબ જ સારો એવો પાક થાય છે અને ખેતરના જેટલા ભાગમાં ભોજ રાજાએ હળ ખેડ્યું હતું તેમાં મોતી ઉગ્યા હતા અને એ જોઈને ખેડૂતના આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો ખેડૂત ખૂબ જ ખુશ થઈ જાય છે અને બાકીના જે ભાગમાં ઉમદા પ્રકારના ઘઉં ઉગ્યા હતા किसान बहुत प्रसन्न हुआ खेडूत खूबज प्रसन्न थो किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुँचे खेडूते बधा मोती एक ठा करते भोज राजा पास पहुँची गय उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए खेडूते बधाज मोती राजा भोजना चरणों में दी था। और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया राजा ने आखी घटना कही संभावी राजा ने कहा ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं उन पर तुम्हारा हक है उन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो अने राजा कहे छे कि आ मोती तारा खेतर में उगया है तारो अधिकार तूज राख नहीं महाराज यह आपके परिश्रम का प्रताप है सुजाब આપે છે ખેડૂત કે ના મહારાજ આ આપના પરિશ્રમનો प्रताप છે बच्चो प्रताप કા મતલબ હે પરિણામ ફળ તો અહી ખેડૂત રાજાને કહે છે કે ના મહારાજ આ તમારો પરિશ્રમનો પરિણામ છે તમારો પરિશ્રમનો ફળ છે इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। आती हूँ नहीं ले जाऊं। मेरी प्रार्थना है कि आप उन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले ले किसान ने प्रार्थना की अने किसान विनंती करे छे के मारी विनंती कि आप आ मोतियों ने राज्यना खजाना में जमा કરી દો અને ગરીબોની ભલાઈમાં તેમનો ઉપયોગ કરો એવો ખેડૂત પ્રાર્થના કરે છે વિનંતી કરે છે કિસાન કી વાત સુન કર રાજા બહુ પ્રસન્ન હોય ઓર ઉન્હોને મોતી સ્વીકાર કરી અને રાજા ખેડૂતની વાત સાંભળીને ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા અને તેમણે મોતી સ્વીકારી લીધી तो बच्चों मैं आशा रखती हूँ कि राजा का हिस्सा जो एक कहानी है उस कहानी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी यहाँ पर मैंने शब्दार्थ लिखे हैं तो का अर्थ आपको नोटबुक ना है बच्चों यहाँ पर है स्व अभ्यास पहला प्रश्न है निम्नलिखित संवाद किसने किसको कहा और क्यों जिसमें पहला है भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है यह वाक्य कौन बोलता है तो यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि उसके हल में एक ही बेल था और दूसरे बेल की जगह उसकी त्री होल खींच रही थी दूसरा है जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो मेरा काम क्यों रोक रहे हो यह वाक्य किशन ने राजा भोज से कहा वह हो होल चलना चलाना रोककर राजा से बात करना नहीं चाहता था तीसरा है भले आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी तो यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि इन्हें किसान की पत्नी पर दया आ गए और जो होल में एक बैल के साथ जुती हुई थी चौथा है ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं इन पर तुम्हारा हक है यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि किसान के खेत में पैदा हुई मोतियों का स्वीकार करना उन्होंने उचित नहीं समझा पांचवा है नहीं महाराज आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले ले यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा क्योंकि मोती राजा के परिश्रम से ही उसके खेत में उगे थे इसलिए इन मोतियों पर किसान का हक नहीं था प्रश्नों दो है पढ़िए और चर्चा कीजिए तो बच्चों यहाँ पर प्रथम वाक्य है लड़की विद्यालय में पढ़ते थे और नीचे कौंस में है संयुक्ताक्षर है ध बराबर द प्लस य बराबर है विद्यालय तो यहाँ पर संयुक्ताक्षर तो जोड़ा हुआ शब्द है उनके बारे में हमें बताया है दूसरा है भिखारी भिखारी द्वार पर खड़ा था तो यहाँ पर संयुक्ताक्षर संयुक्ताक्षर है द्वार द्व प्लस द्व बराबर द प्लस व यानी द्वार तीसरा है यहाँ शुद्ध घी मिलता है और यहाँ पर संयुक्ताक्षर है शुद्ध ध बराबर द प्लस ध यानी कि शुद्ध चौथा है अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है यहाँ पर है चिन्ह बराबर ह प्लस न बराबर चिन्ह पांचवा है एक ब्राह्मण पूजा कर रहा था यहाँ पर संयुक्त अक्षर है ब्राह्मण बराबर ह प्लस म बराबर ब्राह्मण छठा है बनवीर का उद्देश्य राज पाने का था यहाँ पर संयुक्त अक्षर है द्वे द्व तो द्लस द बराबर उद्देश्य तो इसी प्रकार आपको अक्षर कौन सा है वो समझना है प्रश्नों तीन है प्रश्नों के उत्तर दीजिए तो बच्चों अभ्यास के प्रश्नों एक दो और तीन आपको नोटबुक के अंदर होमवर्क में लिखना है धन्यवाद